मार्टिन लूथर किंग एक आंदोलनकारी थे, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते थे। वे मार्ग की तलाश में थे कि उन्हें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी मिली। उसके बारे में पढ़ने के बाद में उन्होंने लंबा संघर्ष इसी मार्ग से किया और लोगों को उनकी हक दिलवाए। मार्टिन लूथर किंग अपने आप को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने एक पुस्तक लिखी है, स्ट्राइड्स टूवर्ड फ्रीडम। उसमें वे लिखते हैं, मैं कई महीनों से सामाजिक सुधार की जिस पद्धति की तलाश में था वह मुझे प्रेम और अहिंसा पर गांधीवादी बलाघात में मिली। मुझे लगा कि दलितों के लिए उनके मुक्ति संघर्ष के लिए वही तरीका नैतिक और व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है। और वे फिर गांधी मार्ग पर चल पड़े। जब गांधी जी का निधन हुआ उसके बाद में मार्टिन लूथर किंग ने एक कविता लिखी जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम किस धातु का बना था वह, मुझे नहीं मालूम किस धातु का बना था वह। उसकी आँखों में गंगा जल ही नहीं, टेक्स, मिसिसिपी, वोल्गा, वांग हो सभी तो लहराती थी। उसमें हिमालय ही नहीं, अल्पस की ऊंचाइयाँ भी समाहित थी। उनमें हिंद महासागर ही नहीं, काला सागर, प्रशांत महासागर सभी अपनी गहनता लिए हुए बैठे थे। कैसे थे उनके संघर्ष के हथियार? नमक सत्याग्रह, दांडी प्रयाण, चरखा, खादी, असहयोग और अनशन। कैसी थी उनकी लड़ाई? इसमें विद्वेष घृणा के लिए कोई जगह नहीं थी। हड्डियों के उस ढांचे में कैसा था वह आत्मबल? मैं सर्वदा उनके प्रसाद का अभिलाषी रहा हूँ और रहूँगा।